बोलिए कुछ, सुभान कैसा है? पहले ऐसा लगा था कि उन्हें बचाना मुश्किल होगा, पर पिछले आधे घंटे में पता नहीं क्या चमत्कार हुआ, उनके सारे वाइटल्स बिल्कुल सही आने लगे। अब डॉक्टर का कहना है कि उन्हें जल्दी होश आ सकता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र। अगर हमारी सुभान को कुछ हो जाता तो हम कैसे जीते? तूने हमारी दुआएं सुन ली मेरे मौला। अरे दुआएं क्यों नहीं सुनेगा आपा, ये तो मन्नत की दुआओं का असर है। मन्नत ने सुभान की सलामती के लिए रो रो कर अल्लाह से दुआएं मांगी। और देखो, खुदा को इस पे तरस आ गया और सुभान की हालत में सुधार दिखाई देने लगा, है ना बेटा? खुदा तुझे हमेशा सलामत रखे। इस गुरलास को मन्नत पे इतना प्यार क्यों आ रहा है अचानक? नहीं, ये मन्नत के साथ मिलकर किसी शैतानी साजिश करने में तो नहीं लगी हुई? सब इबादत की लापरवाही का नतीजा है। खुदा जाने कहां रह गई है। अम्मी, तू कहाँ थी? यहाँ सब कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं? वही इबादत को पता ना चल गया हो कि मैंने इसे डंडे से मार के बेहोश किया था। तुम चुप क्यों हो इबादत? तुम्हारा शौहर जिंदगी और मौत से लड़ रहा है और तुम अभी आ रही हो। पर ऐसा क्या जरूरी काम था जो तुम सुभान को इस पूरे वक्त में अकेले छोड़ के चले गई? और फिर अगर इसे कुछ हो गया ना तो बात घूम फिर के तुम पे आ सकती है। ये जैसा भी है मन्नत, पर एक इंसान है और मैं इस तरह से मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। तुम सुभान को लेकर हॉस्पिटल जाओ, मैं फरहान के साथ क्या करना है वो देखती। बताओ इबादत, मैं कुछ पूछ रहा हूँ इबादत। मामू जान को फरहान का सच नहीं बता सकती मैं, इन्हें जवाब तो देना होगा। क्या करूँ?